इकरार को तोड़कर क्यों फिर इजहार करते हो, इकरार को तोड़कर क्यों फिर इजहार करते हो, जब निभाना ही नहीं जानते तो क्यों प्यार करते हो। एक कंपैरिजन है, टू लाइनर का ही कंपैरिजन है। कंपैरिजन किसके बीच में बता देता हूँ। एक लड़का है जो कि टूटा हुआ आशिक है और दूसरा लड़का है जो कि इश्क में है। तो वो अपना हाल दिल बयां कर रहे हैं। तो पहले टूटे हुए आशिक से की बात करते हैं कि वो कैसे बयां करता है। ये जो यादें खो सी गई थी कहीं आज इन्हें फिर याद करते हैं, ये जो यादें खो सी गई थी कहीं आज इन्हें फिर याद करते हैं, बेनूर से इस चेहरे पर आज फिर आंसुओं का नूर करते हैं। ये तो था टूटे हुए आशिक की बात। अब बात करते हैं हम जो दूसरा लड़का है जो इश्क में। उन लम्हों में तेरा शर्मा जाना कबूल करते हैं, ये अपनी मोहतरमा को देख के शेर पढ़ता है। उन लम्हों में तेरा शर्मा जाना कबूल करते हैं, फिर वो तेरी अदा देखकर आंखों में सुकून भरते हैं। एक आखिरी शेर पढ़ना चाहूंगा मैं, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, उसके बाद मैं वो नज़्म शुरू करूंगा। तो वो शेर है कि कुछ तो उसमें बात थी कुछ तो मेरा प्यार था, कुछ तो उसमें बात थी कुछ तो मेरा प्यार था, कुछ मेरे अरमान थे कुछ उसका इनकार था। तो अब मैं जो नज्म है उसका टाइटल है कुछ लोग। तो पहला शेर देखिएगा कि कुछ राज छुपाए बैठे हैं। कुछ से यहाँ मतलब है कुछ लोगों से, कुछ लोगों की बात हो रही है। तो लिखा है कि कुछ राज छुपाए बैठे हैं, कुछ एहसास दबाए बैठे हैं, कुछ राज छुपाए बैठे हैं, कुछ एहसास दबाए बैठे हैं, बाहर से तो मुस्कुरा ही देते हैं लोग यूं ही, कुछ लोग तो अंदर से जज्बात चलाए बैठे हैं। कुछ आस लगाए बैठे हैं, कुछ अरमान सजाए बैठे हैं, कुछ आस लगाए बैठे हैं, कुछ अरमान सजाए बैठे हैं, हौसलों की कमी नहीं है यहाँ पर, कुछ लोग तो खुद ही पर दाव लगा कर बैठे हैं। अगला शेर है कि कुछ इश्क लड़ाए बैठे हैं। जिस महफिल में मोहब्बत की बात ना हो वो थोड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है, इसलिए अगला शेर कुछ मोहब्बत के ऊपर कुछ इस तरह है कि कुछ इश्क लड़ाए बैठे हैं, कुछ अश्क बहाए बैठे हैं, कुछ इश्क लड़ाए बैठे हैं, कुछ अश्क बहाए बैठे हैं, मोहब्बत की अहमियत तो देखिए यहाँ जनाब, कुछ लोग तो फकत उनकी याद में सहरो शाम बिताए बैठे हैं। अगला शेर है कुछ भीड़ में खोए बैठे हैं, कुछ संसार में सोए बैठे हैं। संसार से यहाँ मतलब है टू द वर्ल्डली थिंग्स, मतलब जैसे वेल्थ, मनी, वेल्थ अटैचमेंट विच इज नॉट ट्रू, तो इसलिए उस पर लिखा है कुछ भीड़ में खोए बैठे हैं, कुछ संसार में सोए बैठे हैं, कुछ भीड़ में खोए बैठे हैं, कुछ संसार में सोए बैठे हैं। सफर ये जिंदगानी का इतना भी आसान तो नहीं जनाब, मगर कुछ लोग तो हिजर के बाद भी मुसलसल खुशियां बोए बैठे हैं। अगला शेर है कुछ इश्क को कारोबार बनाए बैठे हैं, कुछ इश्क को कारोबार बनाए बैठे हैं, कुछ ऐसे ही झूठे यार बनाए बैठे हैं, कुछ इश्क को कारोबार बनाए बैठे हैं, कुछ ऐसे ही झूठे यार बनाए बैठे हैं, वो पहले जैसी मोहब्बत भी कहाँ रही है जनाब, कुछ लोग तो हवस की आग में मोहब्बत ठुकराए बैठे हैं, कुछ इश्क को कारोबार बनाए बैठे हैं, कुछ ऐसे ही झूठे यार बनाए बैठे हैं। और ये अंतिम शेर है कुछ महफिल सजाए बैठे हैं। आप सब लोगों की बात हो रही है, ये एक महफिल है, तो कुछ महफिल सजाए बैठे हैं, कुछ खत लिखे लिखाए बैठे हैं, कुछ महफिल सजाए बैठे हैं, कुछ खत लिखे लिखाए बैठे हैं, हुनर की कमी नहीं है यहाँ पर ए मालिक, कुछ लोग तो हाल दिल कागजों में दबाए बैठे हैं।